Hello students, in this video we will discuss about chapter 5 of English literature. Now let's start. What is the name of the chapter? Everything was opposite. मतलब हर चीज जो हो वो opposite हो. Opposite की meaning क्या होती है? मतलब उल्टा. जब जैसे भी हम सीधे चल रहे हैं तो हम उल्टे चलेंगे. तो जब सारी चीजें opposite हो जाएंगी तो क्या होगा? जैसे लोग पहले दरवाजे से आते थे, खिड़कियों से आएंगे. लाइट जलने की जगह बंद हो जाएगी. पंखे जो है चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं. ये ऐसे जैसे जो चीज ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, जो चीज नीचे है वो ऊपर हो जाएगी. ठीक है, तो ये अपोजिट में क्या होगा? ये सारी चीजें जो होती हैं उल्टी हो जाती हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे. इफ एवरीथिंग वॉज अपोजिट, अगर सारी जो चीजें हैं अपोजिट हो जाए, उल्टी हो जाए, तो व्हाई लेस विल बी मोर. तो जो लेस होता है मतलब जो कम होता है, लेस का मतलब क्या होता है? जो कम होता है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, ऐसे होता है ना कि थोड़ी सी चीज है उसको हम क्या कहते हैं? लेस कहते हैं. लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? मोर कहेंगे, मतलब ज्यादा कहेंगे. ठीक है, द पुअर विल बी रिच. जो पुअर रहेगा वो क्या हो जाएगा? रिच हो जाएगा. मतलब जो गरीब है वो अमीर हो जाएगा, एंड द रिच विल बी पुअर. तो और जो रिच है वो क्या होगा? पुअर हो जाएगा. अगर सारी चीजें उल्टी हुई तो जो अमीर लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे. लेकिन जो गरीब है वो क्या होंगे? अमीर हो जाएंगे. ठीक है, एरोप्लेन्स फ्लाई अंडरग्राउंड. जो एरोप्लेन जो आसमान में उड़ते हैं वो कहाँ पे उड़ेंगे? जमीन के नीचे उड़ेंगे. ठीक है, अंडरग्राउंड में उड़ेंगे. अगर उल्टा हुआ तो सच में ऐसा नहीं हो रहा है कुछ. ठीक है, फिर शिप सेल इन द स्काई. शिप्स जो जहाज होती है वो पानियों पे चलती है ना, तैरती है, तो वो कहाँ पे? आसमान में तैरेगी. ठीक है, अगर अपोजिट हुआ तो टू विल बी सिंगल. जो दो चीजें होती हैं उसको हम डबल कहते हैं, जो दो होते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा? सिंगल. और सिंगल हम किसको कहते हैं? एक को कहते हैं. और जो दो होता है उसको हम पेयर या डबल कहते हैं. ठीक है, तो जो दो रहेगा वो सिंगल हो जाएगा, एंड द वन विल बी अ पेयर. और जो चीज एक होगी वो क्या हो जाएगी? उसको हम क्या कहेंगे? पेयर कहेंगे. अगर अपोजिट हुआ तो द टॉर्टोइस रन्स फास्ट. जो टॉर्टोइस होता है, जो कछुआ होता है, वो स्टोरी आपने सुनी होगी ना, कछुआ खरगोश वाली, जिसमें टॉर्टोइस रहता है बहुत धीरे धीरे चलता है और खरगोश जो होता है बहुत तेज दौड़ता है. लेकिन खरगोश रास्ते में आराम करने लगता है तो टॉर्टोइस जो है लगातार चलते हुए जाता है, वो जीत जाता है. ठीक है, तो जो टॉर्टोइस होता है वो धीरे मतलब जो है बहुत तेज चलने लगेगा, एंड द हेयर रन स्लो. और जो खरगोश है वो क्या होगा? धीरे धीरे चलेगा. ठीक है, द ग्रीन लाइट मीन्स स्टॉप. जो हम सड़क पे जाते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, जैसे ये है, तो उसमें रेड का मतलब स्टॉप होता है, येलो का मतलब गो रेडी होता है, और ग्रीन का मतलब गो होता है. लेकिन अगर अपोजिट होगा तो क्या होगा? ग्रीन लाइट का मतलब हो जाएगा स्टॉप. ठीक है, ग्रीन लाइट का मतलब होता तो गो है असली में, लेकिन अगर अपोजिट हुआ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. एंड द रेड मीन्स गो. रेड का मतलब क्या हो जाएगा? जाओ, चले जाओ. ठीक है, तो अगर अपोजिट हुई सारी चीजें तो ये सारी चीजें जो है उल्टी की सीधी हो जाएंगी, सीधी की उल्टी हो जाएंगी. ठीक है, ये एक बच्चे की इमेजिनेशन है जो हम इस पोयम में पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता. ठीक है, थैंक यू.